हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके पास हिंदी का अनदर प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ। हिंदी के मैंने दो प्रोजेक्ट की वीडियोस ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आप 9th क्लास की देख सकते हैं। और सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी हो या प्रोजेक्ट हो या पोर्टफोलियो हो, आप किसी भी तरीके से इनका यूज़ कर सकते हैं। आपको एक पैटर्न मिलता है इस चैनल में कि किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाने हैं, और हिंदी के अलावा इंग्लिश, मैथ, साइंस, अदर सब्जेक्ट की भी एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेगी। वीडियो इस चैनल में जाके आप थोड़ा सा देखेंगे वीडियो वाले पोर्शन में, या कुछ अगर प्लेलिस्ट में भी आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। बट अगर प्लेलिस्ट में ना मिले तो चैनल में जाके देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत सारी वेव्स ऑफ मैथमेटिक्स, आप चैनल टाइप करके भी वीडियो को आराम से, मेरी जितनी प्रोजेक्ट वाली वीडियोज़ है वो देख सकते हैं। देखिए, ये इसका फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज में इस तरीके से आप इसको फ्रंट पेज इसका लुक, ऐसा लुक दे सकते हैं, अदरवाइज आप अदर लुक भी कोई दे सकते हैं। उसके बाद इसका ये विषय संवर्धन गतिविधि सेशन डालना है, देन अपनी टीचर का नेम डालना है, अपना नेम डालना है। ये पहला पेज में आप, ठीक है, अपना सेशन, अपना नेम, अपनी मैम का नेम, और जो भी आपका विषय, जो भी आपको जिसके बारे में आप लिख रहे हैं वो करेंगे मेंशन। देन सेकंड पेज में आप किसके बारे में लिखना चाह रहे हैं। जैसे इससे पहले मैंने आपको बहुत से अलग अलग कवियों के बारे में बताया था, अब आज जो है वो है जयशंकर प्रसाद। इनकी जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, व्यवसाय, राष्ट्रीयता, पिता का नाम, और इनकी लैंग्वेज, कैसी लैंग्वेज का, कौन सी लैंग्वेज इन्हें आती थी, और इनकी माता का नाम, ये सारा कुछ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो ये जयशंकर प्रसाद की एक फ़ोटो भी लगा सकते हैं ऊपर से, और इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। देन जयशंकर प्रसाद की क्या क्या रचनाएँ थी, उन्होंने क्या क्या रचना रची हिंदी में, ठीक है। तो जैसे पहले आंसू है, कामना है, कामायनी करके एक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग कुछ और भी अगर है तो वो भी लिख सकते हैं इनके जगह पे, ठीक है। तो ये हमारे पास का थर्ड पेज है। देन उसके बाद जयशंकर प्रसाद की कुछ जो उन्होंने पोम वगैरह लिखी है ना, जो कविताएं लिखी है या कुछ भी उन्होंने जो दिया है वो आप ऐसे लिख सकते हैं। एक सेकेंड, ये देखिए, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ले चला वहाँ भुलवा देकर, ठीक है। देन नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। हिमाद्री तुंग श्रृंग से, ये आप लिखिए, इस तरीके से जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही लिखी गई है ये, तो ये भी लिख सकते हैं ऐसे। फिर है प्रयाण गीत, ठीक है, ये उनके द्वारा लिखा हुआ एक गीत है, इसे आप मेंशन कर सकते हैं। और इस पेपर की जगह आप कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं, प्लेन पेपर से उसको भी डेकोरेटिव बना सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी शेडिंग दे रखी है, आप विदाउट वाइट पेपर लेके भी कर सकते हैं। फिर है बीती विभावरी जागरी, ठीक है, ये आप इस तरीके से ये भी लिख सकते हैं। और ये हमारा लास्ट पेज था, तो इसके अलावा भी आप एक दो पेज अगर आपको ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपकी प्रॉपर एक, मैंने आपको जयशंकर प्रसाद की जो भी उन्होंने रचनाएं, कविताएं लिखी थी वो बता दी है। और अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको आने वाली वीडियो, प्रोजेक्ट जो भी है उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और भी प्रोजेक्ट आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।